हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम कुछ ऐसे उर्दू वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो कि पुलिस के द्वारा एवं न्यायालयों में आज भी उनका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो को, चलते हैं स्क्रीन पर। ताजी रातें हिंद भारतीय दंड संहिता भारत का एक दंड विधान रहा है। दंड विधान के माध्यम से ही मध्यकाल में भारत में किए जाने वाले अपराधों के लिए दंडित किया जाता था। लंबी अवधि तक उर्दू भारत के न्यायालयों की भाषा रही। मुगल काल में भी न्यायालयों की भाषा उर्दू ही रही। समय और शासन के साथ भाषा बदल गई, परंतु कुछ शब्द सुविधा के अनुसार शेष रह गए। जैसे कि वर्तमान में हिंदी भाषा भारतीय न्यायालयों में उत्कृष्ट कार्य कर रही है और निरंतर उन्नत हो रही है, परंतु फिर भी कुछ उर्दू के शब्द हैं जिन्हें कि न्यायालय एवं पुलिस द्वारा वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि मुंशी शब्द है, जो उसको हिंदी में न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट कहते हैं, इंग्लिश में उसको जज या मजिस्ट्रेट। उर्दू शब्द है अदालत, हिंदी में न्यायालय कहते हैं और इंग्लिश में कोर्ट कहते हैं। मुद्दई, मुद्दई को हिंदी में वादी कहते हैं और इंग्लिश में प्लेंटिव कहते हैं। मुद्देहा अले या तरफसानी, हिंदी में प्रतिवादी कहते हैं और इंग्लिश में डिफेंडेंट कहते हैं। दीवानी, दीवानी को हिंदी में सिविल कहते हैं और इंग्लिश में भी सिविल कहते हैं। और फौजदारी, फौजदारी को हिंदी में आपराधिक कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्रिमिनल कहते हैं। नेक्स्ट शब्द है उर्दू का मुकदमा, जिसको अभियोजन या परिवाद कहा जाता है, क्रिमिनल में और सिविल में बात कहा जाता है और इंग्लिश में केस के नाम से जाना जाता है। ताजी रातें ही भारतीय दंड संहिता को कहा जाता था। पूर्व समय में दावा, दावा को हिंदी में बात पत्र कहते हैं और इंग्लिश में प्लेंट कहते हैं। जवाब दावा, जवाब दावा को हिंदी में प्रतिवाद पत्र और इंग्लिश में रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं। तनकी, तनकी को हिंदी में बात बिंदु कहा जाता है, जो कि न्यायालय के द्वारा इशू फ्रेम किए जाते हैं, उनको इंग्लिश में इशूज कहते हैं। और नेक्स्ट शब्द है गवाह, गवाह को हिंदी में साक्षी कहते हैं और इंग्लिश में उसको विटनेस कहते हैं। और नेक्स्ट उर्दू वर्ड है गुनाह, गुनाह को हिंदी में अपराध कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्राइम कहते हैं। नेक्स्ट शब्द है मफरूर, मफरूर का मतलब होता है फरार व्यक्ति या भागा हुआ व्यक्ति, जिसको इंग्लिश में एस्केप कहते हैं। नेक्स्ट शब्द है बरी या रिहाई, जिसको हिंदी में दोष मुक्त कहा जाता है और इंग्लिश में उसको एक्यूटल कहते हैं न्यायालय की भाषा में। नेक्स्ट शब्द है तस्दीक, तस्दीक को हिंदी में सत्यापन कहते हैं और इंग्लिश में वेरिफिकेशन कहा जाता है। और नेक्स्ट शब्द है फेहरिस्त, फेहरिस्त को हिंदी में सूची पत्र कहते हैं और इंग्लिश में टेबल कहते हैं। जब न्यायालय में कोई भी दावा दायर किया जाता है तो न्यायालय में एक सूची तैयार की जाती है, जिसको फेहरिस्त कहते हैं। नेक्स्ट है मंसूख, मंसूख का मतलब होता है कि न्यायालय के द्वारा कोई भी आर्डर पास किया गया है उसको रद्द करना या उसको रिकॉल करना, और इंग्लिश में उसको कैंसिलेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट शब्द है उर्दू दाखिल दफ्तर, दाखिल दफ्तर का मतलब होता है कि अभिलेख कक्ष को भेजे जाएं, इन रिकॉर्ड रूम, जो मामले समाप्त तो हो जाते हैं उनको दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है अदम पैरवी, अदम पैरवी का मतलब होता है पैरवी का अभाव। जब कोई भी पक्षकार न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो मुकदमे को अदम पैरवी खारिज कर दिया जाता है, पैरवी के अभाव में खारिज करने को अदम पैरवी कहा जाता है, जब किसी भी पक्षकार के द्वारा पैरवी नहीं की जाती है। नेक्स्ट शब्द है रोजना मचा, रोजना मचा जो होता है वो पुलिस थाने में एक विशेष रजिस्टर होता है, जिसमें अपराधों से संबंधित रोज की जानकारियां लिखी जाती हैं। नेक्स्ट शब्द है देहाती नालसी, किसी भी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जब कोई अपराध घटित होता है तब उस घटना स्थल पर पहुंचकर अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रथम पत्र तैयार किया जाता है तथा उस अपराध के संबंध में स्पष्ट तथ्यों को लेखपत किया जाता है, उस प्रथम पत्र को ही देहाती नालसी कहते हैं। नेक्स्ट शब्द है खात्मा, जब भी पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के अंतर्गत कोई भी FIR दर्ज की जाती है तो उसे न्यायालय में पेश किया जाता है तथा अंत में उसके संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत चालान या अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। इसे जब चालान पेश किया जाता है और जब पुलिस को प्रकरण में अपराध के होने के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध होते हैं और यदि साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में पुलिस के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 के अंतर्गत खात्मा पेश किया जाता है। नेक्स्ट शब्द है उर्दू का खारिजी,
खारिजी। जब चालान की फाइनल रिपोर्ट में ये साबित होता है कि रिपोर्ट झूठी है तो खारिजी हो जाती है। इसमें झूठी रिपोर्ट करने वाले पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 182 एवं 211 के अंतर्गत प्रकरण मुकदमा भी दर्ज होता है। नेक्स्ट है उर्दू शब्द है हवाले साना। इस शब्द का प्रयोग रोजना मचा में किया जाता है। जब भी पुलिस किसी कार्रवाई के लिए जाती है तो उसकी रवानगी डालने को हवाले साना लिखा जाता है। पुलिस को अपनी कार्रवाई की गतिविधियों को लेखपत करना होता है। नेक्स्ट उर्दू शब्द है माल बजायफ्ता। माल बजायफ्ता का अर्थ है कि जब अपराधी से माल जब्त किया जाता है तो उसे माल बजायफ्ता कहा जाता है। किसी भी अपराध में उस अपराध से संबंधित अनेक वस्तुएं जब्त की जाती हैं तो ऐसी जब्ती को माल बजायफ्ता कहा जाता है। नेक्स्ट है जमानत। जमानत को प्रतिभूति या बेल भी कहा जाता है। जब भी किसी अपराध में राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को अभियोजित किया जाता है तब न्यायालय ऐसे आरोपी को जो दोष मुक्ति या दोष सिद्धि होने तक प्रकरण में विचार के मध्य जमानत पर रिहा करती है। जमानत का अर्थ दोष मुक्ति नहीं होता है। इस शब्द का संपूर्ण उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 33 में धारा 436 से 450 तक में किया गया है। नेक्स्ट उर्दू शब्द है बरी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत दोष मुक्त को जो अभियुक्त होता है जिसको दोष मुक्त किया जाता है उसको बरी कहा जाता है। विचार के पश्चात अभियोजन यदि प्रकरण को सिद्ध नहीं कर पाता है तो न्यायालय द्वारा दोष मुक्ति का आदेश पारित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में मुलजिम को बरी कहा जाता है। नेक्स्ट शब्द है उर्दू का मुलजिम। मुलजिम को आरोपी एवं एक्यूज्ड भी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो कि किसी अपराध के संबंध में अभियुक्त बनकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत या पेश किया जाता है जिस पर अभियोजन चलाया जा रहा होता है उसे मुलजिम कहा जाता है। और नेक्स्ट उर्दू शब्द है मुजरिम। जब आरोपी एक्यूज्ड को विचारण कार्रवाई के अंतर्गत दोष सिद्ध कर दिया जाता है तब उसे मुलजिम से मुजरिम हो जाता है। मुलजिम और मुजरिम में डिफरेंस है। मुजरिम जब होता है जब उसको दोष सिद्ध कर दिया जाता है तब वो मुजरिम में परिवर्तित हो जाता है और जब तक कि विचारण चल रहा होता है तब तक उसको मुलजिम कहा जाता है। नेक्स्ट उर्दू शब्द है कैदी। जिसको नियुक्त किया जाने वाला कोई भी व्यक्ति कैदी कहा जाता है। इसको बंदी कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है उर्दू शब्द हाजिर। हाजिर को हिंदी में उपस्थिति कहते हैं इंग्लिश में प्रेजेंस। किसी भी व्यक्ति को पेश करने हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थिति या हाजिर कहा जाता है। नेक्स्ट उर्दू शब्द है गिरफ्तारी। गिरफ्तारी को अरेस्ट कहा जाता है। इसके संबंध में विस्तार पूर्वक उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 5 में धारा 41 से 60 तक में किया गया है। नेक्स्ट उर्दू शब्द है हिरासत। हिरासत को अभिरक्षा या कस्टडी भी कहा जाता है। सामान्य रूप से पुलिस हिरासत शब्द का प्रयोग किया जाता है परंतु जब न्यायालय में पेश कर दिया जाता है तो उस न्यायालय की हिरासत या अभिरक्षा कहा जाता है। जब तक पुलिस की हिरासत में होता है तो पुलिस हिरासत कहा जाता है और जब न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया जाता है तो उसको न्यायालय की अभिरक्षा में कहा जाता है। नेक्स्ट उर्दू शब्द है फरियादी। फरियादी का अर्थ है प्रार्थी या कंप्लेंटेंट कहा जाता है। अर्थात तो जो भी न्यायालय के समक्ष फरियाद लेकर आता है उसको कंप्लेंटेंट या प्रार्थी कहा जाता है। इसको उर्दू में फरियादी कहते हैं। नेक्स्ट उर्दू शब्द है इस्तगासा। इस्तगासा परिवाद पत्र को कहा जाता है। सामान्य रूप से जब पुलिस द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है तब उसके साथ भी अपना इस्तगासा परिवाद प्रस्तुत करती है जो कि संपूर्ण प्रकरण का सारगर्भित उल्लेख होता है। इस पत्र में अभियोजन पक्ष द्वारा अपने समस्त तथ्यों को रख दिया जाता है। नेक्स्ट उर्दू शब्द है तहरीर। न्यायालय की प्रक्रिया में तहरीर से जो अर्थ है वो पत्र से लगाया जाता है। किसी भी समन में किसी नोटिस में लिखे गए शब्दों को तहरीर कहा जाता है। तहरीर का शाब्दिक अर्थ लेखन होता है जो कि प्रारूप में लिखा जाता है तो उसको तहरीर कहा जाता है। नेक्स्ट उर्दू शब्द है इश्तहार। इश्तहार का शाब्दिक अर्थ होता है उद्घोषणा या डिक्लेरेशन भी इसको कहा जाता है। जब आरोपी फरार हो जाता है तब उसकी संपत्ति के राजसात किए जाने की घोषणा की जाती है तब इस शब्द का प्रयोग राज्य पुलिस द्वारा किया जाता है। सामान्यतः उर्दू शब्द इश्तहार का जो शाब्दिक अर्थ है वो हिंदी में उसको विज्ञापन कहते हैं। नेक्स्ट उर्दू शब्द है हवालाती। ऐसे आरोपी जिन्हें विचाराधीन कारावास में रखा जाता है तथा जिन पर विचारण की कार्रवाई चल रही होती है तब वे न्यायालय की अभिरक्षा में होते हैं तो उस पर अपराध सिद्ध नहीं होता है अर्थात ना तो दोष मुक्ति और ना ही दोष सिद्धि तो उन्हें हवालाती कहा जाता है। नेक्स्ट उर्दू शब्द है मुलतवी। मुलतवी का अर्थ होता है स्थगित करना। जैसे कि कोर्ट की किसी भी कार्रवाई को किसी दिन स्थगित करके किसी अन्य दिवस पर रख दिया जाना मुलतवी करना कहा जाता है। नेक्स्ट शब्द है उर्दू का तलवी।
तलवी मतलब सूचना परिस्थिति को तलवी कहा जाता है। सिविल प्रकरण में किसी भी बात के आने पर पक्षकारों को उपस्थित होने के लिए समन और नोटिस भेजे जाते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया तलवी कहलाती है। तलवी हेतु न्यायालय में इसका एक अलग से विभाग होता है। नेक्स्ट उर्दू शब्द है प्यादा। प्यादा यानी सूचना कर्मचारी जो कि किसी प्रकरण का समन या नोटिस लेकर जाता है उसको प्यादा कहा जाता है। नेक्स्ट उर्दू शब्द है मुंशी। मुंशी जो कि पुलिस थाने और अधिवक्ताओं के ऐसे अधीनस्थ होते हैं, सबॉर्डिनेट होते हैं, जो कि कागजी खानापूर्ति तथा दस्तावेजों के आदान प्रदान के कार्य करते हैं, उन्हें लिपिक क्लर्क या उर्दू में मुंशी कहा जाता है। नेक्स्ट है उर्दू शब्द पतारसी। पतारसी अपराध की विवेचना में शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अपराध को ज्ञात करने के प्रयास जारी हैं, चालान पेश करने के पूर्व की प्रक्रिया पतारसी कहलाती है। नेक्स्ट उर्दू शब्द है जिरह। जिरह का अर्थ तो बहस होता है, परंतु प्रतिपक्षण हेतु भी जिरह शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट उर्दू शब्द है जाहिर सूचना, खुली सूचना, जिस न्यायालय या किसी अधिवक्ता के द्वारा किसी अखबार में प्रकाशित किया जाता है या सार्वजनिक स्थान पर चिपकाया जाता है, ऐसी सूचना किसी प्रकरण में व्यक्ति से संबंधित होती है उसको जाहिर सूचना कहा जाता है। नेक्स्ट शब्द है इजरा या इजराय। न्यायालय में कार्यपालन के लिए इजरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट शब्द है दरखास्त। दरखास्त को आवेदन या निवेदन भी कहा जाता है। जब किसी कार्य को जो कि न्यायालय के विवेकाधिकार के अंतर्गत है तो उसको करने के लिए कहा जाता है, तब उसके साथ दरखास्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट शब्द है वकील। वकील शब्द जो है वो उर्दू तथा फारसी के मेल से आया है, जिसका सामान्य अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति की ओर से पक्ष रखने वाला व्यक्ति। राजा महाराजाओं के शासन में राजा का जो मुख्यमंत्री होता है था वो मुलजिम पक्ष का अभियोजन रखता था, और जो नगर का एक विद्वान व्यक्ति अभियुक्त का पक्ष रखता था, जिनको सावधान और शिक्षित लोग वकील का कार्य किया करते थे। समय के साथ साथ वकील का अर्थ बदल गया, परंतु मूल परिदृश्य वही है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के पूर्व लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट काम करता था। ब्रिटिश शासन के समय वकील का अर्थ प्रारूप तो बदल गया, परंतु वर्तमान में जो कि संपूर्ण भारत में एडवोकेट एक्ट 1961 प्रभावी है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 प्रचलित है। इस अधिनियम के अंतर्गत अधिवक्ता नामावली में दर्ज व्यक्ति को अधिवक्ता कहा जाता है। आज भी सामान्य भावबोध में अधिवक्ता के लिए वकील शब्द को ही उच्चारित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि अन्य लोग भी वीडियो का लाभ उठा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आपको अगली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।